हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये शॉल का बनाना बताऊंगी। ये शॉल मेरे पूरी बिनी हुई है, देखिए। और ये जो है, ये पट्टी है, इसमें दो दो पट्टी लगी हुई है, दो ये कलर का, दो इस कलर का, और दोनों को मैंने जोड़ दिया है। तो इस टाइप का आप शॉल बनाइए, बहुत ही सुंदर है ये। तो आप इसकी लंबाई जो है, आप अपने शॉल के अनुसार से ही लंबाई नाप लीजिएगा। जब ये वाली पट्टी बनेगी तो शॉल से आप लंबाई नाप लीजिएगा, उतना ही लंबाई आप दीजिएगा। और चौड़ाई भी आप शॉल से ही नाप लीजिएगा। आपके पास रेडीमेड शॉल होगी ही, उसे आप चौड़ाई भी ले लीजिए बनाते हुए समय, और पट्टी अपना हिसाब से डाल दीजिएगा। जैसे फोटो में मैंने पूरे शॉल का पट्टी दिया हुआ है, फोटो में पूरे शॉल की चौड़ाई है, आप उससे ज़्यादा भी एक दो पट्टी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस तरह का शॉल का बारे डिजाइन बताने जा रही हूँ। ये डिजाइन जो है यूपिन से बना हुआ है, मेरा 6 नंबर का यूपिन से। देखिए, इस तरह का यूपिन आता है, 6 नंबर का यूपिन से बना हुआ है। ये क्रोशे भी है, ठीक है, आप इसे बनाइएगा। इसे मैं हटा देती हूँ। देखिए, पहले आप क्या कीजिए, यूपिन है इसका नाम, यूपिन यू टाइप का है इस शेप में, इसीलिए इसको यूपिन कहते हैं। 6 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। आप चाहे तो आप इसे पतला पतला बना सकती हैं, लेकिन शॉल है, ज़्यादा बिनना पड़ता है, तो आप चौड़ा ही लीजिएगा तो आपका जल्दी बनेगा। ऐसे आप पतला पतला भी बना सकती हैं, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा शॉल बनाने में। मेरे हिसाब से आप चौड़ा ही लीजिए 6 नंबर का, ठीक है। पहले इस तरह से हम बांध लिए हैं, देख लिए हैं आप, इस तरह से बांध लिए हैं। अब उनको नीचे से इस तरह से लीजिए, इस तरह से लीजिए, ऊपर लाइए उनको, इस तरह से आप एक क्रूस खींच लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ गांठ लग जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से आप इस तरह से उनको इस तरह से सामने लिए लपेट के ले आइए, ठीक है। इस तरह से आप बनाइए, शॉल की लंबाई अपना शॉल के हिसाब से ही लीजिएगा। रेडीमेड शॉल होगी आपके पास, उसी से लंबाई नाप लीजिएगा, ठीक है। ये एक बना लिया है, अब इसको इस तरह से पलटना है, इस तरह से पलट दीजिए, इस तरह से पलट करके फिर इसको क्रॉस को लीजिए। देखिए, ये जो है ये वाली ऊपर का सामने वाला, इसमें क्रॉस डालिए, इस तरह से इसको यहाँ से पार कीजिए, इसे पार कीजिए, फिर ये दोनों को एक साथ बुन दीजिए। देखिए, इस तरह से बुन दीजिए, फिर इसको पलटिए। इस तरह से हमको पलट पलट के बनाते जाना है। ये जो ऊपर वाला है, इसका आगे वाला में ही क्रॉस डालना है, दोनों साइड नहीं डालना है, पीछे वाला में नहीं, सिर्फ आगे वाला में, ठीक है। जो ये राउंड आता है ना, तो उसका आगे वाला में ही डालना है। इस तरह से निकालिए, फिर इसको ऐसे पलटिए, इसको इस तरह से लीजिए, देखिए, ठीक है, इस तरह से पलटिए, इस तरह से आप पूरी लंबाई शॉल का बनाइएगा। आपका जितना लंबाई है शॉल का नाप लीजिए, सारा पट्टी उसी तरह से पूरी लंबाई लेकर के नापते जाइएगा। इस तरह से आप बनाइए, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं है, इसको इस तरह से घुमाइए, क्रॉस में लूप डालिए। ये आगे वाला जो है, सिर्फ आगे वाला, देखिए ये पीछे वाला नहीं लेना है, सिर्फ आगे वाला, ये देखिए आगे वाला लेके आप इस तरह से बोल दीजिए। बस इतना इजी है शॉल बनाने में, आप बना सकती हैं, ठीक है। देखिए, मैंने इतना बुन लिया है, इसी टाइप से आप, फिर से मैं बता रही हूँ, ये आगे वाला जो है, ये आगे वाला, इसको लेकर के बिनना है इस तरह से। ये बहुत इजी ही शॉल का डिजाइन है, जो जल्दी बन जाता है,
आप इस तरह से बनाइए। इस तरह से आप घुमाते जाइए। बीनते जाइए। मेरे पास तो शॉल बना हुआ है, मैं पहले ही बना चुकी हूँ शॉल। इतना बड़ा शॉल बना के दिखाना संभव तो है नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ बना के। आप इसी में समझ लीजिए कैसे बनाना है, ठीक है? इस तरह से आप बीनते जाइए। आप अपने घर में जो भी शॉल है ओढ़ने का, उसे आप उसी की लंबाई से इसको लंबा बना लीजिएगा, और चौड़ाई से भी चौड़ाई बना लीजिएगा उतना पट्टी। ऐसे बीनते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा। जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना और चौड़ाई चाहिए। आप इसको जोड़ते जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा चौड़ाई। आप उसी हिसाब से आप चौड़ा बना लीजिएगा, ठीक है? मैं इतना ही दिख तक आपको दिखाती हूँ बना करके। इस तरह से आप बनाइए, देखिए। जब हम मेरी लंबाई जब पूरा हो जाएगा तो आप इस तरह से ही लास्ट में इस तरह से बीन लीजिएगा। बीन करके ये गांठ लगा दीजिएगा। इस तरह से आप बीन के गांठ लगा दीजिएगा। इस तरह से आप गांठ लगा दीजिएगा, ठीक है? गांठ लगाने के बाद इसे आप निकाल दीजिए। इस तरह से इसे आप निकाल दीजिए, देखिए। अगर इसमें आपको बहुत लंबा बीनना है, तो मैं छोटा सा बनाई हूँ, आपको बहुत लंबा बीनना है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक इसको इस तरह से उतार लीजिएगा, आधा दूर तक ऐसे करके उतार लीजिएगा, ठीक है? इतना उतार लीजिएगा। उतार के ये भी रहता है साथ में, इसमें लॉक करने के लिए आपको ये इस तरह से लगा दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको लंबा बहुत बीनना है, इतना से तो होगा नहीं। तो इसको फिर इस तरह से आप इस तरह से लपेट दीजिएगा, इस तरह से लपेट दीजिएगा, इस तरह से लपेट करके आप यहाँ एक पिन लगा दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि लंबाई बहुत है, बीनना होगा, तो यहाँ पिन लगाते जाइएगा। ये जैसे भर जाएगा इसको उतार लीजिएगा, फिर ये लगा दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ रख करके। उसके बाद इसको इस तरह से पलटी मार मार करके यहाँ पिन लगाते जाइएगा। आप पूरा पिन लगाते जाइएगा जब तक कि लंबाई पूरा नहीं हो जाए। जब आपको लगे इसको भर भर के बनाइएगा, आपको अंदाज हो जाएगा चार बार भरना है कि पांच बार भरना है। एकदम इसको भर भर के बनाइएगा, इस तरह से घसका घसका के आपको अंदाज मिल जाएगा कि चार बार बनाना है इसको भर के या पांच बार। एक बार लंबाई नाप लीजिएगा शॉल से, इस तरह से खींच के अपना घर में जो शॉल है लंबाई नाप लीजिएगा, आपको अंदाज मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद भी मैं बताऊंगी आपको कुछ। इस तरह से आप रख लीजिए, देखिए मैंने पहले बना के रखा है दो पीस, ठीक है? सबका जोड़ा बनाना है, ठीक है? आप एक कलर का भी शॉल बना सकते हैं, या फिर आप कंट्रास्ट कलर दीजिए, दो कलर का भी आप बना सकते हैं शॉल, ठीक है? इस तरह से मैंने तीन बना के रखा है, आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब हम इसको जोड़ने बताएंगे। देखिए इसमें हमने जोड़ा हुआ है, इसी तरह से आपको जोड़ना है, एक ही कलर से पहले जोड़ लीजिए, ठीक है? देखिए इधर से हम चार लेंगे, ये चार लेंगे, एक दो ये तीन ये चार, चार ले लिए, चार ले लीजिए। इधर से भी चार ले लीजिए, एक दो तीन चार, ठीक है? अब इसको क्या कीजिए, इससे पार कर दीजिएगा, इस तरह से, इस तरह से पार कर देना है। देखिए इस तरह से पार कर दीजिए। फिर हम इधर से चार लेंगे, उसको इस तरह से दाब के रखिएगा ताकि घर गिरे नहीं। इधर से चार लेंगे, देखिए एक दो तीन चार, ये चार है। फिर इससे हम इसको पार कर देंगे, इस तरह से पार कर देंगे, ठीक है? चार इधर से लिए, अब चार इधर से लेंगे। अब इधर से चार ले लीजिए, एक दो तीन चार, चार इधर से लिए, इसको इस तरह से पकड़िए उसके टाइट से, इसको भी इस तरह से पकड़िए, देखिए इसे, ठीक है?
इस तरह से फिर इसको पार कर दीजिए, इसे पार कर दीजिए। इसी तरह से आपको पूरा जोड़ना है, देखते जाइए। ये चार है, ये चार ले लिए, इसको इस तरह से पकड़िए ताकि आपका घर छूटे नहीं। इस तरह से पकड़िए, इस तरह से देखिए, इसमें इस तरह पार कर दीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह से आ रहा है, बनते जा रहा है डिजाइन। इसी तरह से आपको पूरी लंबाई जो है बना लीजिएगा, तरह से चार ले लीजिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, इसको भी थोड़ा फाँक कर लीजिए इस तरह से, इसको इस तरह से पार कर दीजिए ऐसे। देखिए ये बहुत जल्दी बन जाता है सॉल्व कांटा के मुकाबले, ठीक है। इस तरह से आप ये पूरा लंबाई बनाइए, देखिए इस तरह से आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लंबाई सही नाप करना है तो आप चोटी भी नाप के हिसाब से ले लीजिएगा, चोटी के हिसाब से आप पूरे शॉल का फिर यहाँ भी हम बनाएंगे। तो इस लंबाई जो है चोटी के हिसाब से आप गिनती कर लीजिएगा, और लास्ट में अगर आपका बच जाता है तो आप खोल दीजिएगा, ठीक है। इधर से अगर घट जाता है, घटेगा तो नहीं, लंबाई रखिएगा, अगर कोई कोई फंदा अगर बढ़ गया तो आप यहाँ से खोल के उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तब आपका शॉल बराबर बन जाएगा, देखिए इस तरह से आ गया, ये हो गया। इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ गांठ लगा दीजिएगा, ठीक है। इसमें गांठ लगा दीजिएगा, ये धागा ज़्यादा रखिएगा यहाँ पर आप, इस तरह से इसमें गांठ लगा दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं, ठीक है। इसमें गांठ लगा दीजिएगा इस तरह से। अब इसको भी जोड़ना है सेम इसी तरह से, ठीक है। पहले आप ये चार ले लीजिए, ये हमेशा सीधा रखिएगा, ध्यान रखिएगा ये हमेशा सीधा रहना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप ये चार ले लीजिए, एक दो तीन चार, ये चार फंदा इधर से ले लीजिए और चार इसका इधर से ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ना है दूसरा कलर भी, जैसे हम उसमें बताए थे उसी तरह से है। इसको इस तरह से पकड़िए, इसको भी पकड़िए, इसको भी उंगली से इस तरह से उंगली डाल दीजिए, इसके बाद इसको पार कर लीजिए, ठीक है। फिर इधर से भी आप लीजिए चार, एक दो तीन चार, चार ले लिए। बस खाली देखना है कि सीधा है कि नहीं, मुड़ जाता है ऐसे ही, इस तरह से इधर पार कीजिए। फिर इसमें से भी चार ले लीजिए, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा इतना देर में, इस तरह से इधर से पार कर लीजिए। ये दोनों तरफ का साइड का आपको लेते जाना है, इसमें आएगा इस तरह का आएगा, बीच में इस तरह का आएगा कलर अलग अलग, देखिए इस तरह का आएगा, ठीक है। बुनिए इसी तरह से, देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चार चार घर लेके ये हो गया है कंप्लीट। इसी तरह से आप पूरा शॉल बनाते जाइए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इसके इस तरह से गांठ लगा दीजिएगा, इस तरह से लेकर के आप गांठ लगा दीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही खूबसूरत है, इस कलर में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया, समझा दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि किनारे साइड आपको कैसे बनाना है। किनारे साइड आप चेन ले ले करके दीजिए, आप बनाते जाइए। ऐसे तो मैंने इस टाइप का बनाया हुआ है, इस टाइप का बनाया हुआ है, देखिए चेन ले ले करके पहले आप बनाते जाइए। चाहे तो इसमें आप दूसरा डिजाइन भी डाल सकते हैं, मेरा तो ये इस टाइप का डला हुआ है
है ना। आप दूसरा डिजाइन भी डाल सकते हैं। किनारे तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये बांधिएगा तो इसी को ले ले करके आप बांध दीजिएगा किनारे साइड। देखिए क्योंकि किनारे भी बता ही देते हैं आपको, ये चार लीजिएगा, ये किनारे के लिए है, ये चार हो गया, ये और चार ले लीजिए, 3 4 8 हो गया। अब ये चार बुक को इस चार से पार कर दिए, इस तरह से पार कर दिए, फिर चार ले लीजिए, इस तरह से चार ले लीजिए, फिर इसको इस तरह से आप पार कर दीजिए। कुछ करना नहीं है, आराम से इस तरह से बनाते जाइए। फिर चार ले लीजिए, इस तरह से किनारे बंद करना है। तो आप सोचिएगा किनारे कैसे बनाएंगे। अच्छा हुआ मुझे ध्यान आ गया, बता दे रहे हैं। देखिए इस तरह से आप किनारा बंद कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से आप किनारा बंद कर दीजिएगा दोनों ही साइड का, शॉल का दोनों किनारे इस तरह से आप बंद कर दीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना, बस इसी को लेके आपको बनाते जाना है। और ऊपर जाके गांठ लगा दीजिएगा ऊन लेकर के, एक्स्ट्रा ऊन लेकर के इस तरह से। देखिए किनारे साइड इस तरह से चोटी आ रहा है आपका, ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह से आप बनाइए, ये शॉल बहुत जल्दी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पर इस तरह से एक धागा लेकर के ऊन लेकर के इसमें भी गांठ लगा दीजिएगा, ये ऊन लेकर के आप गांठ लगा दीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दोनों कलर से आप बनाइए, मेरा तो दूसरा कलर से बना हुआ है, आप इस कलर से बनाइए, बहुत ही खूबसूरत है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं भी बहुत सारी वीडियो डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत आइटम है बना हुआ, ठीक है, बाय।